समझ लो ना यार, 5 मिनट सिर्फ, ज्यादा मैं लूंगी ही नहीं, सिर्फ 5 मिनट लूंगी, सिर्फ 5 मिनट। तो आप चले जाओ। सो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। गाइस फाइनली हम शिवानी के घर पे गए थे, और शिवानी के घर पे जाने के बाद सच बताएं हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब था। हम 2 दिन ट्रैवल करके ट्रेन में 1200 किलोमीटर बहुत ज़्यादा धक्के खा के शिवानी के घर पे आए थे। और फिर यहाँ आने के बाद ना हमसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछा गया, ना चाय पूछा गया। और सुबह के 6 बजे आ गए थे हम, 2 दिन से सोए भी नहीं थे, बहुत बुरी हालत थी हमारी। उसके बाद हम शिवानी के घर पे गए थे, धक्के खाते खाते हुए गए थे, और पैसे तो हमारे बहुत लग गए थे। और वहाँ पर जाने के बाद फिर हमने जैसे एंटर किया है अंदर, तो आंटी ने बोला कि शिवानी है ही नहीं, शिवानी चली गई। तो हमने बोला चलो कोई बात नहीं। फिर हमने बोला ईशा से, तो ईशा से मिलने के बाद है ना हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बेकार था, क्योंकि ईशा है ना बड़ी घमंडी है। हमने उसके आगे बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाया, हमने वीडियो में नहीं दिखाया, बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाया। अभी देख लेना वीडियो, फुल वॉच करना, आपको देखने को मिलेगा कि ईशा का व्यवहार कैसा था। आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं बहुत ज़्यादा बेकार है। हमने उसे 5 मिनट मांगा था, उसके लिए भी ईशा ने बहुत ज़्यादा नखरे करे। और फैमिली के व्यवहार देखना आप सबके कैसे हैं यहाँ पे, ये नहीं कि यार इतने दिन से इतने देर से आए हैं, दूर से आए मिल लो, पर नहीं। पर फिर भी कोई बात नहीं, हमने बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया। आप वीडियो फुल वॉच करो एक बारी। ईशा कहाँ है? ईशा दीदी की तबीयत ठीक है? जल्दी आ गए, हमारी गाड़ी ना जल्दी पहुंच गई थी, तो हमने कहा अब चलते ही हैं। फिर कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सारे सारे सो रहे हैं, तुम बैठ जाओ। आंटी ठीक हो? आपकी तबीयत ठीक है? दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी 2-3 दिन से। अभी कानपुर जा रखे हैं दीदी? चले नहीं, कल रात में गए हैं। इधर आ जाओ, क्या करें, हमारी तो किस्मत ही ठीक नहीं ईशा। चलो, तो शिवानी दीदी तो नहीं मिल पाए हैं अभी, ठीक है, तो ईशा मिली है घर पे। तो हम तो ईशा के भी फैन हैं, क्योंकि शिवानी के बाद ईशा ही संभालती है सब कुछ, तो हमें तो इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा खुशी है। चलो ईशा तो मिली है। बाकी दोस्तों, शिवानी दीदी कानपुर जा रखे हैं, किसी अगर कोई सब्सक्राइबर आ रहा हो ना वो मत आना, ठीक है, क्योंकि शिवानी दीदी जा रखे हैं 15-20 दिन के लिए, पूरे यहाँ पर नहीं है। तो जो भी कोई आने का सोच रहा हो ना, हम तो एक्चुअली चंडीगढ़ से आए हैं, बहुत दूर लोकेशन से आए हैं, 600 किलोमीटर दूरी से। अगर कोई भी आने का सोच रहा है ना, तो कोई भी मत आना, क्योंकि शिवानी दीदी आपको घर पर नहीं मिलेंगे, ठीक है, कोई भी नहीं। और ईशा भी नहीं मिलते, क्योंकि स्कूल जाती है, अभी भी स्कूल जा रही है ईशा, तो अभी भी मतलब हमारे साथ वीडियो बनाने के लिए मना ही करा है। बाकी मैंने कहा चलो थोड़ी रिक्वेस्ट वगैरह किया है। बाकी ईशा हमारा चैनल प्रमोट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, हमारे चैनल का नाम सब्सक्राइब ब्लॉग, हाँ लाइव चल रहा है, सब्सक्राइब ब्लॉग। दीदी ध्यान इतनी दूर था, आप लोग इनके चैनल का सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। हाँ। इनके चैनल को नाम है सब्सक्राइब ब्लॉग। हाँ, सब्सक्राइब ब्लॉग है, और ये ईशा है, ठीक है। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा ईशा की भी फ़ैन हूँ। बाकी तो क्या बोलें यार, दीदी नहीं मिल पाए, पर कोई बात नहीं, क्या हो गया, नहीं ही मिल पाए तो। बाकी दीदी का घर है, ईशा है, ईशा को तो आप जानते ही होंगे, है ना, ईशा शिवानी दीदी की भांजी है। और बाकी कभी नहीं आएंगे, हाँ यार कभी नहीं आएंगे क्या शिवानी दीदी? नहीं पता नहीं, चंडीगढ़ भी आएंगे। हाँ वो आए थे, वो अरमान भैया ना, उनकी शादी उनके घर में वो फंक्शन था ना, तब आए थे, हम ना उनके आसपास ही रहते हैं, लेकिन हमने कभी अरमान भैया उनको किसी को नहीं देखा। तो वो जहाँ रहते हैं ना, जीरकपुर पता नहीं कहाँ रहते हैं, हमें उनका पता भी नहीं है, पर हम भी उधर ही रहते हैं, चंडीगढ़ चंडीगढ़ में रहते हैं। और लेट हो गई है स्कूल का, बिल्कुल टाइम नहीं बचा, दिखा दो ना यार थोड़ा सा घर, ये तो पता लग जाएगा हम शिवानी के घर पे आए हैं। चलो ना प्लीज, 5 मिनट रिक्वेस्ट है। 7 बजे को बिल्कुल टाइम ना है, बिल्कुल नहीं तैयार हो, बिना कायल कर रहे वो कह रहे मैं भी बर्तन धुलवा दूंगा, चलो बस 2 मिनट। क्यों यार, मैं भी स्कूल से गई हूं, निकली हूं, लेट हो जाएंगे दीदी, बोल देना सर को आज की आज थोड़ा सा, देखो पता है क्या, 3 दिन तक स्कूल ना गए हैं सर का बोल दिया, और 5 मिनट लेट हो जाना। अरे दीदी ना जाने, ना ऐसा 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 घर घर कर रही है, घर दिखा लेते हैं, बोल दो
घर दिखाने के लिए आई थी। अच्छा प्लीज समझ लो ना यार, 5 मिनट से ज्यादा मैं लूंगी नहीं, सिर्फ 5 मिनट लूंगी, सिर्फ 5। तो आप चले जाओ, सीधो घर है वो देख लो। अब तैयार होकर आ जाओ, फिर हम वेट करने वहाँ पे आओगे। तैयार होगा फिर हम बुना ही खाना ना खाने। खाना आज मत खाना। आ रहे हो, वेट करें आप चल लिया सीधे, देख लियो देख लो, देख लेते हैं। आ जाना फिर भी 2 मिनट के लिए। चलो खुला है ना ये।